फाजिया बेगम, आप मेरी घर की छत तले मुझे बेइज्जत नहीं कर सकती। अच्छा, ना ही तुम्हारी छत है, ना ही तुम्हारा घर है, ना ही तुम्हारी कोई इज्जत है। अम्मी, आज मुझे एक बात का एहसास हो गया कि माँ की नाराजगी में भी अपनी औलाद के लिए मोहब्बत और बेहतरी छुपी होती। और देखे ना, अल्लाह ने आपकी सारी दुआएं कबूल कर ली। मैं किसी पे चोरी का इल्जाम नहीं लगा रही, लेकिन तुम लोग ही बताओ कि तीनों मासी आज छुट्टी पर है। शुनू सुबह से बाजार गई हुई है और मैंने अपनी अंगूठी अपने कमरे में ही रखी थी। माँ, आप जरा तसल्ली से देख लें, यहीं कहीं होगी। अब अम्मी, मैं तो सुबह से आपके कमरे में गई भी नहीं। अम्मी, मैं 2-3 बार आपके कमरे में आई हूँ चाय देने के लिए, लेकिन मैंने आपकी रिंग नहीं उठाई। मैंने ये कब कहा है किसी ने चोरी की है? मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि अगर मुलाजमाएं घर पे नहीं है, साइमा मेरे कमरे में नहीं आई, चन्नो सुबह से बाजार गई, तो क्या जिन उठा के ले गए मेरी अंगूठी को? तो बाकी तो मैं बची ना अम्मी। तुम बात को गलत रंग मत दिया करो शकीला, बहुत बोलती हो तुम। मां, अब अम्मी आपकी रिंग तो डायमंड की थी ना? तो मिट्टी की हो गई। मुझे तो आपकी कोई भी चीज नजर आती है मैं फौरन कमरे में रख देती हूँ। हाँ, जैसे मैं उठाकर अपने पर्स में डाल लेती हूँ। साइमा, तुम अम्मी को मेरे बारे में शक में डाल रही हो। कम ऑन शकीला, झगड़ा खत्म करो। मैं झगड़ा नहीं कर रही हूँ जहाज़ेब, लेकिन मुझ पे मुसल्लत किया जा रहा है। हाँ तो वो साइमा से बात कर रही है ना, तुम तो चुप करके बैठो। इशारा तो मेरी तरफ है ना जहाज़ेब। मैं इशारा नहीं कर रही हूँ शकीला, मैं तो सिर्फ अम्मी को बता रही हूँ। अब तुम लोग चुप हो जाओ, शोर शराबा बंद कर दो। चीज मेरी गुम हुई है ना, दफा करो उसे और तुम लोग जाओ यहाँ से। अम्मी, अब तो आपको चीजें लॉकर में रखनी होंगी। मैंने आज तक अभी कोई चीज पे ताला नहीं लगाया, लेकिन मुझे लगता है कि अब यही करना पड़ेगा। चलो, रोने का प्रोग्राम चलने लगा। जहाज़ेब, ये सब कुछ क्या हो रहा है मेरे साथ इस घर में? कम ऑन शकीला, जस्ट थिंक, उनकी इतनी एक्सपेंसिव रिंग गुम हो गई है, क्या वो बोलेंगी भी नहीं? इशारा तो मेरी तरफ था ना, बाकी तमाम घर के नौकर बरी उजीमा थे और तमाम अफराद भी। बहस भी तो तुम ही करी थी उनके साथ। हाँ, सारी बुराइयां मेरे ही अंदर है, आवारा भी मैं और चोर भी। किस किस्म की लैंग्वेज यूज करने लगे हो तुम? जिस तरह के इल्जामात लगेंगे वैसी लैंग्वेज यूज करूंगी ना जहाज़ेब। अच्छा चलो, चुप हो जाओ। आप मेरे साथ हो ना, तो मुझे कभी किसी की कोई परवाह ना हो। मैं तुम्हारे साथ हमेशा के लिए। अच्छा चलो, अब चुप हो जाओ। वैसे एक बात है, गुस्से में तुम और भी हसीन लगती हो। ठीक है, थोड़ी देर और कर लो। That's great. मैं सोच भी नहीं सकती थी कि हया और रियासत मिलकर मुझे इतना बड़ा धोखा देंगे। तुम पहले से जानती थी कि तुम्हें धोखा मिलने वाला है। एनीवे, अब क्या प्रोग्राम है तुम्हारा? क्या तुम तलाक या फिर कुछ और? तलाक तो मैं उसे नहीं दूंगी। मैं नहीं चाहती कि हया अपनी मनमानी करे, अब भी बहुत कुछ है रियासत के पास। वैसे बहुत कुछ तो तुम्हारे पास भी है। तुम अगर रियासत के साथ रही ना, तो सब कुछ चला जाएगा। मैं ऐसा खेल खेलूंगी कि मेरे मरने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिलेगा। क्या? तो क्या तुम ये सब कुछ मेरे नाम कर दोगी?
अब मैं इतनी भी बेवकूफ नहीं हूं, लेकिन रियासत को कुछ नहीं मिलेगा। मैंने तो अपनी सारी उम्मीदें और सारे एहसास तुम्हीं से लगा के रखे हैं। प्यार जो करता हूं तुमसे। प्लीज मुझे परेशान मत करो, न जाने क्या कुछ छुपा के रखा हुआ है रियासत ने मुझसे, जो इतने दावे से मुझे चैलेंज कर रहा है। से खौफ ज़दा नहीं रियासत, अगर आपके पास कुछ है भी तो आपको मुझे नहीं बताना चाहिए था। देखो मेरे पास जो कुछ भी है ना, सब कुछ तुम्हारा है। मैं हमेशा हिर्स और लालच के पीछे भागता रहा, लेकिन तुमने मुझे एहसास दिलाया कि अगर इंसान की जिंदगी में प्यार ना हो तो वो कंगाल होता है। लेकिन मैंने कभी दौलत से प्यार नहीं किया रियासत। आपका प्यार, आपका खलूस, आपकी सच्चाई ही मेरी जिंदगी है। हया ये तुम्हारी मोहब्बत ही थी जो आज मैं फौजिया से नजर मिलाकर बात कर सका। लेकिन रियासत, ये आप कभी मत भूलिएगा कि फौजिया बेगम आपकी जात का हिस्सा है, आपकी जिंदगी की शरीक है। वजूद का वो हिस्सा जो गल चढ़कर नासूर बन गया। नहीं रियासत, आप उस पर मरहम रखिएगा, उन्हें खुद से अलहदा करने का कभी मत सोचिएगा। हाँ, अगर फौजिया तस्लीम कर लेती कि तुम भी मेरी जात का हिस्सा हो। चलो आराम करते हैं, कल सुबह से प्लानिंग करनी है कि हमने अपनी नई जिंदगी कैसे स्टार्ट करनी है। बहु बेटियों के ये लक्षण नहीं होते कि रात गए तक बाजारों में घूमती फिरे। अम्मा, मैं कहाँ जाना चाहती थी, वो तो इरफान, फिर शॉपिंग के बाद हम घर चले गए थे। यकीनन तोहफे तो हम भी लेके गई होंगी अपनी अम्मी के घर। हाँ, कपड़ा लता जेवर। नहीं नहीं, खाली हाथ गए थे अम्मी। हाँ हाँ, तुम जैसी उनको तो खाली हाथ मैके से भेजा जाता है, और जब मैके जाती हैं तो फिर शॉपर्स भर भर के लेके जाती हैं। इतना कुछ तो दिया था अम्मी ने आपको, और क्या चाहिए। हाय हाय, मेरा तो एक ही बेटा था, सोचा था शादी करूंगी तो घर भर जाएगा, मगर यहाँ तो झाड़ू ही फिर गई। मैं चाय लेकर आती हूँ आपके लिए। अरे, चाय बनाने के लिए मेरी बेटियाँ काफी हैं। मैं जानती हूँ जान छुड़ाने के लिए ये बहाना कर रही हो तुम। चला आके मेरे पांव दबा, बहुत दर्द हो रहा है पैरों में। सुन, अब मियाँ के जाके कान नहीं भर देना कि मैंने तुमसे पांव दबवाए। पर मैं इरफान से क्यों शिकायत करूंगी, अब तो माँ जैसी है ना मेरी। अच्छा एक बात तो बता, ये तेरा रंग क्यों पीला पड़ता जा रहा है। जी, और तुम सालन की जगह अचार क्यों खाती हो। कैसी बातें कर रही हैं आप। हाय हाय, बड़ी मासूम काकी बन रही हो तुम। अरे शक्कर से तो तू पक्की लग रही, पक्की 40 बरस की। अरे तेरे हाथों में जान नहीं है क्या, अच्छी तरह से पांव दबाओ, पांव मेरे दुख रहे हैं बहुत ज्यादा। जब मेरे पांव दबाने होते तो इसके हाथों में जान ही नहीं होती।
क्या बात है, घर में इतनी खामोशी क्यों है, क्या हुआ? भाई तुम घर में रहो तो तुम्हें पता चले ना कि घर में क्या हो रहा है। मगर बात क्या है, हुआ क्या है, कुछ तो बताएं। भाभी की अंगूठी खो गई है, डायमंड की, याद है वो जो भाईजान लाए थे बेल्जियम से? डायमंड रिंग खो गई घर से, मगर कैसे? हाँ बेटा, ये बात मैंने साइमा और शकीला से पूछी। शकीला तो आपसे बाहर हो गई, हालांकि शकीला ही मेरे बेडरूम में गई थी। अम्मी आपका ख्याल है कि शकीला भाभी ने रिंग? नहीं अम्मी, आपको तो ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए था। शुक्र है कि मैं घर पर नहीं थी, वरना खामखा का मुझ पर इल्जाम आ जाता। अभी भी मैंने किसी पे इल्जाम नहीं लगाया। अम्मी मुझे तो नहीं समझ आ रहा कि हमारे घर को क्या होता जा रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे हर कोई एक दूसरे के खिलाफ महाज बनाने के लिए तैयार खड़ा है। बेटा मेरी समझ में भी नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। कि शकीला यह जो बात बढ़ा रही है भाभी, साइमा बता रही थी कि जहां जेब उसे मनाते रहे बाहर जाने के लिए, मगर बेगम साहबा साफ मना करती रही, नाराज होकर चले गए जहां जेब। अल्लाह जाने घर के हालात कब ठीक होंगे। पहली बार जहां जेब नाराज होकर घर से निकला है, अल्लाह खैर करे। कुछ नहीं होता मियां, रिलैक्स हो जाए, सब ठीक होगा। भाभी, भाभी साइमा, क्या हुआ, क्या बात है, इतनी परेशान क्यों खड़ी हो यहां? अपनी चहेती के आंसू पोंछने गए अदनान, अब वो मेरे खिलाफ भड़काएगी और अदनान मुझ पर आकर गुस्सा करेंगे। तौबा तौबा, हद हो गई बेशर्मी की। मैं अभी तुम्हारी सास को बताकर आती हूँ। नहीं, आप किसी से कुछ मत कहिएगा, अगर अदनान को पता चला तो सब मुझे ही मुजरिम समझेंगे। अच्छा ऐसा करो, चलो सुने बातें क्या हो रही हैं। नहीं अदनान भाई, मुझे किसी से कोई शिकवा नहीं है, बल्कि मैं यूं समझूंगी कि मेरी जिंदगी में भी और इम्तिहानात बाकी हैं जिन पर मुझे पूरा उतरना है। भाभी अगर जिंदगी इम्तिहान समझ कर ही गुजारी जाए ना, तो एक ना एक दिन कामयाबी मिल जाती है। भाई कहाँ है? शाहजेब के एक दोस्त आज अमेरिका जा रहे हैं, वो उन्हें एयरपोर्ट ड्रॉप करने के लिए गए, आते होंगे। आपसे नाराज होकर गए हैं वो? नहीं अदनान भाई, बल्कि अगर शाहजेब का दिया हुआ हौसला मेरे साथ ना होता तो मैं तो हिम्मत हार चुकी थी, और इन हालात में जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो जाती। मैं जानता हूं भाभी, आप कहीं नहीं, बस सबर का दामन हाथ से ना छोड़िएगा। मुझे ये भी पता है कि इस घर में आपके लिए मुश्किलात जो खड़ी कर रही है वो साइमा है, सिर्फ साइमा। आई प्रॉमिस आइंदा ऐसा नहीं होगा। तुम्हारा शोहर और बहन दोनों ही तुम्हारे दुश्मन हो गए। वो साफ साफ कह रहे हैं अदनान कि वो तुम्हें देख लेगा। मत कहिए उसे मेरी बहन, वो तो मेरी सौतन बनती जा रही। तुम यहां रो क्यों रही हो? तुम रो नहीं तो और क्या करो जहाजेब भाई, अंदर मेरे खिलाफ साजिशें की जा रही है। अंदर मेरे बेडरूम में कौन है? अदनान और शकीला। शकीला को तो बहन करने का दिल ही नहीं चाहता मेरा। मैंने आपसे कहा था ना कि अदनान और शकीला।
अदनान भाई, आप जैसे भाई और जहाज़ेब जैसे शौहर का तहफ़्फ़ुज़ हो तो मैं अपनी ज़िंदगी में किसी भी मुश्किल का सामना करने को तैयार हूँ। लगता है तुम्हें हमदर्दी सिर्फ भाभी से है, मुझसे नहीं। आपसे हमदर्दी ही तो मुझे भाभी से हमदर्दी पर मजबूर करती है। थोड़ी सी हमदर्दी साइमा के लिए भी बचा कर रखो। शकीला के साथ हमदर्दी करने के लिए मैं जो हूं। आई गेस आपको मेरा यहां आना और भाभी से बात करना बुरा लगा शायद। ऐसी कोई बात नहीं, मैं जानता हूं कि तुम्हारा इससे दोहरा रिश्ता। जी साली भी तो है तुम्हारी भाई। बात रिश्तों की नहीं है, बात सच्चाई की है। एंड आई होप कि आप सच्चाई का साथ ही देंगे ना। मैं जानता हूं कि सच क्या है और सच्चाई का साथ कैसे देना। भाइयों के दरमियान गुफ्तगु में जब तंज आ जाए ना जहाज़ेब, तो दिलों में भी दूरियां पैदा हो जाती हैं। तुम भी अब औरों से हमदर्दियां समेटना बंद करो। खाना लगा दूं? टीचर, मुझे आपके साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, अब आप मेरे साथ ही रहेंगी। एक बात बताए, पापा आपको छोटी मामा क्यों कहते हैं? क्योंकि मैं आपकी मामा हूँ। ये तो बताए, ये होता क्या है? जिन बच्चों की दो माएँ होती है ना, तो एक बड़ी मामा होती है, एक छोटी मामा होती है। इसलिए छोटी मामा कहते हैं। वाओ, मेरी बेटी के बाल कितने प्यारे बन गए। अब जल्दी से हम नाश्ता करेंगे, मैं अपनी गुड़िया को खुद नाश्ता कराऊंगी, ठीक है? मुझे फिर से स्कूल में जाना होगा। हाँ ना, आपको फौजिया मामा मिस करी होंगी ना? मुझे फौजिया मामा बहुत डांटती है, मुझे नहीं जाना, मुझे आपके पास ही रहना। ऐसे नहीं कहते मेरी जान। आपके पापा आपको वीकेंड पे ले आएंगे, ठीक है? चलो बूटो, जल्दी से हम नाश्ता तैयार करते हैं, फिर पापा को जगाते हैं, फिर नाश्ता करते हैं। भागो 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 जल्दी से। देखो इरफान, तुम्हारी पसंद से बहू तो मैं ब्याह कर ले आई हूं, मगर मुझे नहीं लगता कि वो घर बसाएगी। मेरा घर बस चुका है और उसमें उसमें मेरी सोच से ज्यादा अच्छी बीवी साबित हुई। अरे छोड़ो, क्या खाक अच्छी बीवी साबित हुई है? ना सीना आता है, ना पिरोना आता है, ना खाना पकाना आता है, सिर्फ बातें बनानी आती है उसको बस। तो आपा तुम उसे सिखाओ ना, वो जल्दी सीख जाएगी। है मेरी बेटियां उसको क्यों सिखाने लगी, वो अपने घरों में नहीं जाएंगी क्या? और सुन इरफान, ये है ना उस हकीली के सामने हमें आपा आपा मत कहा कर, वो भी कोई नन्नी मुन्नी नहीं है। अपने आप को बहुत मुन्नी समझती है और हालांकि उसको पता भी है कि मुन्नी कब की बदनाम हो गई है। पापा, खुदा के लिए ये कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? अच्छा अच्छा, चल निकल, अस्पताल जा, देर हो रही है। और उसको समझा दीजियो कि घर का काम काज क्या करे, बहू रानी बन के ना बैठी रहा करे। जी अम्मा, समझा दो। मेरा बस चले ना तो मैं घर में चक्की मंगवाऊं और एक बन गेहूं की बोरी मंगवाऊं और उससे कहूं कि पहले आटा पीस, फिर आटा गूंथ और फिर रोटी पका, फिर देखूं बहू बेगम के मजे। हाँ, अरे क्या बात है अम्मा की, अब तुम लगी हो भाई की सास। बिल्कुल बिल्कुल अम्मा, जबरदस्त। अगर ऐसा तुमने किया तो हमारे दरमियान जो भी रिश्ता है वो टूट जाएगा।
छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें रियासत, बर्बाद कर दूंगी मैं तुम्हें और तुम्हारी हया को भी। उस्मा क्या कर रही हो तुम, कपड़े धो रही हो? हाँ आप ही, वो बस यूं ही। रानी